हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे ओणम स्पेशल मूंग दाल पायसम। तो रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले हम मूंग दाल को ड्राई रोस्ट करेंगे। ये एक कप मूंग दाल है। आप चाहे तो इसे पहले धोकर सुखाकर फिर ड्राई रोस्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं पहले इसे ड्राई रोस्ट करूंगी फिर उसके बाद वॉश करूंगी, ये ज्यादा कन्वीनियंट है। इसमें से मूंग दाल की एक अच्छी सी खुशबू आने लगे तब तक हमें इसे रोस्ट करना है। तो अब हम इसको वॉश करेंगे। इस धुले हुए मूंग दाल को अब हम प्रेशर कुक करेंगे, जिसके लिए हम इसमें 2.5 कप पानी ऐड कर देंगे। अब इसका लिड लगाकर हम इसे पकाएंगे 3 विसल आने तक। अब इसका सारा प्रेशर निकलने का हम वेट करेंगे। तब तक आइए जैगरी यानी कि गुड़ को मेल्ट कर लेते हैं। ये 250 ग्राम गुड़ है। इसमें हम 1 कप पानी मिलाकर इसको मीडियम हीट पे पिघलाएंगे। ये अब कम्प्लीटली मेल्ट हो चुका है। तो अब हम इसको एक तरफ रख देंगे। अब एक दूसरे पैन में हम 1 बड़ा चम्मच घी ले लेंगे। इसमें हम 1/2 कप नारियल के इस तरह के छोटे छोटे टुकड़े ले लेंगे और उसे फ्राई कर लेंगे। इस तरह के कोकोनट बाइट्स पायसम में बहुत बढ़िया टेस्ट करता है। तो अब हम इसमें मिलाएंगे काजू, इसे भी नारियल के साथ थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। अब इसमें थोड़ा सा किशमिश भी ऐड कर देंगे। ये सारे अच्छे से फ्राई हो गए हैं। तो चलिए अब प्रेशर कुकर खोल के देख लेते हैं। दाल भी बहुत अच्छे से गल गई है। तो अब जो गुड़ का पानी है उसे हम छान के इसमें मिला लेंगे। अब इस गुड़ के पानी में हम दाल को थोड़ा सा मैश करते हुए मिक्स कर लेंगे। इसके लिए आप मैशर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये दोनों अच्छे से मिल गए हैं। तो अब हम कोकोनट मिल्क का सेकंड एक्सट्रैक्ट ऐड करेंगे 1 कप, और साथ ही इसमें 1 चम्मच इलायची का पाउडर भी मिला लेंगे और इसे 2 मिनट के लिए धीमी आंच पर पका लेंगे। कोकोनट मिल्क का फर्स्ट और सेकंड एक्सट्रैक्ट कैसे निकालें अगर आपको नहीं पता तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अब इसमें फ्राई किए हुए नट्स के साथ ही कोकोनट मिल्क का फर्स्ट एक्सट्रैक्ट मिलाएंगे और फ्लेम को ऑफ कर देंगे, इसे कुक नहीं करेंगे। तो तैयार है ओणम स्पेशल मूंग दाल पायसम। तो ऐसे ही और भी बहुत सारी रेसिपीज के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबा दें। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक और रेसिपी के साथ। तब तक टेक केयर।